इमेजिन आपका पहला बार है और आपने खोला, आपको छोटा मिला, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काले और बड़े से ज़्यादा अच्छा आपको ये परफॉर्मेंस देगा? लेंसेज की बात हो रही है, प्राइम लेंस जो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। दिस इज हाउ दिस लेंस इज गोइंग टू लुक लाइक ऑन माई कैमरा। ये काफ़ी छोटा है बिल्कुल मेरे दोस्त के तरह, और इससे ये साबित होता है कि साइज पे मत जाओ, समटाइम्स स्मॉलर थिंग्स प्रोवाइड मोर परफॉर्मेंस। अभी मेरा दोस्त बहुत खुश होगा और ये वीडियो में कमेंट भी करेगा। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग द ओलंपस 17mm f/2.8 लेंस। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और मेरे को बहुत पसंद आया कंपेयर टू दिस लेंस जो कि मैं यूज़ कर रहा ल्यूमिक्स का किट लेंस 14-42mm। ये बहुत वर्सेटाइल लेंस है, मतलब इससे आपको बहुत सारे फोकल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दिस 14-42mm पैनासोनिक लेंस इज इसका बॉडी जो है वो बाहर से मेटेलिक बनाया गया है, बट वेन इट कम्स आउट टू इज माउंट, तो इसके माउंट में बेसिकली आपको प्लास्टिक यूज़ किया गया है, जो कि मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि असल में पैनासोनिक इसको प्रीमियम बनाना चाहता था कि बस प्रीमियम फिल करवाना चाहता था, बिकॉज इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका माउंट वो प्लास्टिक का है ना कि मेटल का है। तो हो सकता है कि इन्होंने बस प्रीमियम फिल करवाने की कोशिश की, विच इज़ नॉट अ वाइज चॉइस, बिकॉज मुझे टू बी ऑनेस्ट देखो प्लास्टिक से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, प्लास्टिक माउंट से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट आपका माउंट जो आपका कैमरा का माउंट है उसमें ज़्यादातर मेटेलिक माउंट वाले ही लेंसेज लगाना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक जो है वो थोड़ा फ्रिक्शन पैदा करता है जिसके वजह से कुछ डैमेज हो सकता है। बट ये केस अभी तक तो नहीं हुआ जब मैं लगभग 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ किट लेंस, क्योंकि मैं ज़्यादातर लेंस स्वैप नहीं करता था, मैं किट लेंस ही यूज़ करता था। ये मेरा पहला प्राइम लेंस है, तो अभी मैं फिलहाल और भी लेंसेज खरीदूँगा फ्यूचर में। तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ज़्यादातर लेंस स्वाइप करने वाले हैं तो आप इन्वेस्ट करें उन लेंसेज पे जो कि मेटेलिक माउंट के साथ आते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ओलंपस के लेंस में जो कि मैंने ईबे से मंगाया था, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बहुत लोग कहते हैं कि ईबे पे फ्रॉड होते हैं, लेंसेस नहीं आते, तो ऐसा नहीं है। अब अगर वाइज सेलर से अगर खरीदते हो, अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हो, कोई ऐसा सेलर से फ्रॉड सेलर से नहीं खरीदते, तो आपका लेंस आपको मिल जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम लगता है अमेजोन फ्लिपकार्ट के मुकाबले में, मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते लग गए ये लेंस मिलने पे। अमेजोन पे कभी कभार ऐसा टाइम लगता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो 2-3 दिनों में ही डिलीवरी हो जाता है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है ईबे का। बट कंपैरिजन करेंगे अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट से, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आपको पूरे न्यू सामान मिलते हैं, यूज्ड सामान नहीं मिलते, और अगर यूज्ड मिलते भी है तो उनका प्राइसेस बहुत हाई होता है। कंपेयर टू ईबे, ईबे में मेरे को ये लेंस लगभग मिला है 9,500 रुपये में, जो कि 10,000 से भी 500 रुपये कम है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डील था और मैंने एक प्राइम लेंस ले लिया। तो मेरे को मतलब मैं आपको लिंक दे दूंगा, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि दिस इज़ अ गुड फीलिंग कि आपको इतने कम में एक प्राइम लेंस मिल गया है। और भी बहुत सारे डील्स थे,
तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको मतलब ईबे का लिंक दे दूँगा, जितना मेरे पास लिंक हो पाता है, जितने भी मतलब मैं लिंक कलेक्ट कर पाता हूँ अलग अलग लेंसेज से, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरे ये वीडियो में आपको थोड़ा कुछ भी हेल्प हुआ, अगर कुछ भी समझ में आया कि ईबे से मंगवा सकते हैं कि नहीं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको टेस्ट फुटेज चाहिए तो मुझे आप मेरी मेंबरशिप को खरीद सकते हैं। मैं मेंबरशिप में आपको बहुत सारे टेस्ट फुटेज बिना एडिट किए हुए डाल दूंगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।